दिल्ली पुलिस की टीम ने डीडीए हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल चार ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमित कुमार निजामुद्दीन सुल्ब नामदेव और राम अवतार के तौर पर हुई है। सभी यूपी के हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से चीटिंग में इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अर्जुन गर्ग ने बताया है कि वेस्ट विनोद नगर में रहने वाले राजीव नाम शख्स ने साइबर पुलिस में 50,000 की चीटिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। कॉलर ने अपने आप को डीडीए अधिकारी बताया और उन्हें 50,000 बुकिंग अमाउंट जमा कराने के लिए कहा। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के हमीरपुर जिले से हुई है। डीसीपी ने बताया है कि इस गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।